के नाम है। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है, परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, भजन संहिता, बोलो खुदावन आज जितना मैं वचन सुनूं ये मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को मेरे जीवन से चुराने ना पाए। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद अब्बा पिता। जैसे आज आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझसे बात करें, आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे चलाएं, आप मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा आज का वचन मैं शरीर से नहीं खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा सुन सकूं और तेरा आत्मा मेरे जीवन में काम करे। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में मांगते बोले आमीन। भजन संहिता 63:63 जबूर, यहां पे लिखा है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। कहता तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे कैसे ढूंढूंगा, यत्न से। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो यत्न क्या होता है? आपको पता है यत्न क्या होता है? किसी चीज के लिए यत्न करना। मान लो तुमने बाइक लेनी है, तुमने घर बनाना है, तुम रात दिन यत्न कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ईंटें इकट्ठी कर रहे हो, सीमेंट इकट्ठा कर रहे हो, ये ला रहे हो, वो रात दिन मेहनत करके यत्न कर रहे हो कैसे ना कैसे करके मेरा घर बन जाए। ये होता है यत्न। तुम एक काम के लिए फोर्स, पूरी जान ताकत, तेरा परिवार, तुम, तेरा प्राण, तेरा आत्मा, तेरा शरीर उस बात के लिए पूरा यत्न कर रहा है कि ये काम हो जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है मेरा मन यत्न के साथ खुदावन तुझे ढूंढेगा। एक होता है ठीक है प्रभु के घर चलते हैं, जाते हैं आते हैं जाते हैं, बस ठीक है, वचन सुन लिया, प्रेयर कर ली, बाइबल पढ़ ली, बस ठीक है। एक होता है खुदावन को यत्न से ढूंढ रहे हैं, मन में प्यास है, ओ आज खुदा नया देगा, आज खुदा मेरे लिए बात करेगा, आज मेरे जीवन मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। एक तुम जतन के साथ खुदा की हजूरी में आ रहे हो, अरे तुम जल्दी से घर के काम निपटा रहे हो, सब चीजों को कंप्लीट कर रहे हो और दौड़ रहे हो, तेरा पूरा ध्यान पता किधर है, यीशु के घर की ओर, उसके भवन की ओर। संडे को तुझे बड़े काम भी मिल रहे होंगे, संडे को तेरे लिए बहुत सारी चीजें भी हो रही होंगी, मैरिज आ रही होंगी, बर्थडे पार्टी आ रही होंगी, लेकिन तू सब चीजों को इग्नोर कर रहा है और जतन के साथ किसकी ओर बढ़ रहा है, खुदा के घर की ओर। मतलब कि तू यहोवा के लिए प्यासा हो चुका है यीशु के नाम में, मतलब तू यहोवा का दीवाना हो चुका है यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? दाऊद कहता मैं पूरे जतन के साथ खुदावन तुझे ढूंढूंगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है क्योंकि तेरी, कहता इस प्रकार, एक से बढ़ेंगे, जतन से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ओसर भूमि पर, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभिलाषी मतलब आपको पता है किसी चीज को हम पाने के लिए बड़ा यत्न करते हैं, अरे ये चीज हमें मिल जाए कैसे भी करके, वो मिल जाए, सोचे भी लगाते हैं, दिमाग भी, प्लानिंग्स भी लगाते हैं, अरे इतना पैसा चाहिए ये काम करने के लिए, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए। दाऊद कहता मैं ऐसे पूरी अभिलाषा के साथ खुदा को ढूंढ रहा हूं, पूरे जतन के साथ परमेश्वर को। जो बंदा परमेश्वर में है ना, जिसके अंदर खुदा का आत्मा है, उसके अंदर उसके आत्मिक फल भी होंगे, फ्रूट्स होंगे। फ्रूट्स क्या? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, नरमाई, वफादारी, संयम, उसके अंदर ये फल होंगे और वह 24 आवर पवित्र आत्मा से भरा होगा। उसका ध्यान पता किसकी ओर है? खुदा की ओर, उसके भवन की ओर। वो प्रेयर करने जा रहा है, खुदा का थैंक्स कर रहा है, वो शाम को फिर प्रार्थना में बैठ रहा है, खुदा का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए ये किया, ऐसा ऐसा किया। मतलब यत्न के साथ ढूंढ रहा है। जब मैं नया नया था प्रभु में, मैंने आपको बताया कि ऐसे मैंने ये सॉन्ग लगाना, मेरा फेवरेट सॉन्ग है आज भी ये। तो जब मैं सॉन्ग को सुन रहा हूं
इसमें वर्ड पता क्या आ रहे हैं, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना सकूंगा। हालेलुया। मतलब एक भूख के साथ खुदा के सामने बात रख रहे हैं, परमेश्वर मेरे पास रहना, कहीं मैं इस दुनिया की भीड़ में कुचल ना जाऊं, पाप में ना चला जाऊं, दुनिया की चीजों में ना फंस जाऊं, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। कितने समझ पा रहे? तो जब ये सॉन्ग चल रहा हो ना, मैंने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को इतनी अद्भुत रीति से फील करना, मैं अभी भी वही सेम प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूं कि वो सॉन्ग चल रहा है और यहोवा का आत्मा कब्जा कर रहा है, यहोवा का आत्मा टच कर रहा है। मैं जा तो मैं पैदल ही रहा हूं, कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है जाने के लिए, बस ऐसे पैदल जा रहा हूं, वर्शिप सॉन्ग लगाए, ये नहीं कि किसी मंडली में बैठा हूं उसके साथ बातें गप्पे मारते, नो, अकेला हूं, बस जा रहे हैं, हेडफोन लगे हैं, साथ में प्रेयर चल रही है, बस ऐसे खुदा के साथ नॉर्मली बातें हो रही, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और मैं यहोवा को, मतलब मैं फील करके, मतलब इस सॉन्ग को बोल रहा हूं कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ये, प्रभु वो। और क्या कर रहा है खुदा का आत्मा? अपने प्रति भूख को बढ़ा रहा है। जितना तुम आत्मिक बातों को सुनते हो, जितना तुम आत्मिक बातों की ओर ध्यान देते हो, जितना तुम आत्मिक बातों की ओर फोकस लगाकर रखते हो, तुम भी आत्मिक बन जाते हो यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा जीवन आत्मिक बन जाता है, तेरी लाइफ आत्मिक बन जाती है, और तुम फिर खुदा के लिए और भूखे, अरे मैं खुदा को और जतन से ढूंढना चाहता हूं, मैं और अच्छी रीति से खुदा को खोजना चाहता हूं। आपको पता है परमेश्वर किन चीजों से खुश होता है? जब तुम उसे दिल से ढूंढते हो, दिल से, ये नहीं फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर्स की है, अरे प्रभु ये दे दे, प्रभु वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो अलग है, लेकिन एक वो प्रेयर जिसमें केवल तुम उसके आत्मा की मांग कर रहे हो, केवल तुम उसके लिए भूखे हो, केवल तुम उसके लिए प्यासे हो, और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर कब्जा कर रहा है। कितनों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जहां वो वर्शिप कर रहे हैं और खुदा का आत्मा, आत्मा ने उन्हें टच किया, वो आत्मा से भरकर रोने लगे, प्रेजेंस से भर गए, और उन्हें ऐसा लगा कि यीशु से बिना कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं। दाऊद ये चीज बयान कर रहा है, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मेरी लाइफ कुछ भी नहीं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, निर्जल जमीन की तरह, उस भूमि की तरह, हिरनी जैसे तपती धूप में प्यासी होती है, कहता मैं ऐसा खुदा के लिए प्यासा हूं। इन दिनों में खुदावन तेरी प्यास को और बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। इन दिनों में तुम खुदा के लिए और प्यासे होने जा रहे हो, तुम जतन से उसे ढूंढोगे और वो जतन से तुझे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती तब तक यहोवा को ढूंढो जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाता, जब तक वो तेरी आंखों के सामने नहीं आ जाता। और ये बातें शुरू से मेरे साथ, तब मैं ये नहीं कि बहुत मजबूत था प्रभु में, बहुत बाइबल, नो, कोई मजबूती नहीं थी, जस्ट नॉर्मली प्रभु में चल रहा था, जस्ट नया नया प्रभु में आया था, और बस ये वजन मुझे छू रहा था, मेरी स्पिरिट को टच करता था, और मैंने सुनना इसे, और जब मैंने सुनना, मैंने उस भजन के बीच में घुस जाना कि मैं ये खुदा की ओर बोल रहा हूं, मैं खुदा को ये बात कह रहा हूं, मैं खुदा के लिए ये वर्ड बोल रहा हूं कि परमेश्वर मेरे पास रहना, मुझसे अलग मत होना। मैं आपको बताता हूं, खुदावंद कभी अलग नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम में, खुदा ने कभी नहीं छोड़ा यीशु मसीह के नाम में। दिन बदले, टाइम बदला, खुदा ने परिस्थितियां आई, हालात आए, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन खुदा हर चीज से निकालकर आगे बढ़ाता गया यीशु मसीह के नाम में। कितने आप समझ पा रहे हो? तो खुदा के साथ जब तेरा लव नहीं, जब तक तुम मांग नहीं रहे हो भूख को, प्यास को, तब तक वो तुम्हें दे नहीं सकता है। दाऊद मांग रहा है खुदा से, दाऊद दीवाना हो गया परमेश्वर का, प्यासा हो गया। कैसी दीवानगी दिखा रहा है? जैसे किसी लवर के लिए दीवानगी दिखा रहे हैं, उसके लिए सब एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ खुश करने का उसे जतन कर रहे हैं, और दाऊद किसको खुश कर रहा है? सेनाओं के यहोवा को। वो संसार की चीजों को खुश नहीं कर रहा, दुनिया की चीजों को खुश नहीं कर रहा, किसको कर रहा है? परमेश्वर को। अरे परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करके देखना, ऐसा एकांत वाला,
एकांत में जाना खुदा के साथ, अकेले बैठना खुदा की उपस्थिति में और खुदा से बोलना, परमेश्वर मुझसे बात करें, परमेश्वर मेरे जीवन में आज जो तू चाहता है वो कर। तुम एक दिन प्रेयर कर रहे हो, दो दिन कर रहे हो, तीन दिन कर रहे हो, दस दिन कर रहे हो, पंद्रह दिन कर रहे हो, सोलहवें दिन तेरे पास होगा यीशु मसीह के नाम में, वो तेरी अगुवाई करेगा यीशु मसीह के नाम में, उसको भूख दिखाओ वो तुम्हें ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। फ्लैट मोड करना, बोलो थैंक यू जीसस। कितने समझ पा रहे हो आज आप खुदा के वचन को, क्या कहता है दाऊद, आगे ध्यान से सुनना। कहता क्योंकि इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। आप परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा केवल उसके पवित्र स्थान में देख सकते हैं। बिना पवित्र स्थान के तुम उसकी सामर्थ को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते, तुम उसकी महिमा को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते, तुम उसकी ग्लोरी को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते, जब तक तुम पवित्र स्थान में नहीं जा रहे। पवित्र स्थान क्या है? जहां तुम भूख दिखा रहे हो। पवित्र स्थान क्या है? जहां तुम प्यासे हो। शैतान तुम्हें दुनिया में गिराने की कोशिश तो कर रहा है, पाप में इधर से खींच रहा है, इधर से ये चीज खींच रही है, इधर से वो चीजें, पर तुम छुड़ाकर क्या कर रहे हो? प्रभु की उपस्थिति में जाकर खुदा का धन्यवाद कर रहे हो और उससे ग्रेस मांग रहे हो और वो तुम्हें दे रहा है और तुम्हें आगे बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हॉल कट करना, बोलो थैंक यू जीसस। कितने समझ पा रहे हो आप ब्लेस हो रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में। तो जितनी तुम भूख, जितनी तुम प्यास खुदा को दिखाओगे वो उतना तुम्हें तृप्त करेगा, ये बात याद रखना। ऑनलाइन चर्च, जितने भूखे हो, अगर तुम चाहते हो खुदा मेरे जीवन में काम करे, परमेश्वर मुझे बढ़ाए, तो भूख भी हिरनी के जैसी दिखानी पड़ेगी खुदा, प्यास भी वैसी। उसके लिए इतना दीवानगी, इतना लव शो करना पड़ेगा, जितना तुम आज लव शो कर रहे हो उतने बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स तेरी लाइफ में होंगी यीशु के नाम में। अगर तुम कहो मेरा विरोध हो रहा है, लोग मेरे विषय में ये बातें कहते हैं, पड़ोसी ये कहते हैं, रिश्तेदार वो कहते हैं, उन्हें कहने दो, उन्हें करने दो वो बातें, क्योंकि जब तुम उन चीजों में बढ़ जाओगे, जब तुम प्रार्थना में कंटिन्यू रहोगे, जब तुम खुदा को भूख दिखाते रहोगे, तुम उनसे कई गुना ऊंचे हो जाओगे यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए यीशु के नाम है। हालेलुया। लोग तुम्हारी केवल ब्लेसिंग्स को देखेंगे पर ये नहीं बताओगा ये खुदा का कितना दीवाना है। हालेलुया। परमेश्वर को पता क्या आदत है टूटी चीज को लेने की, बेकार को। जो चीज एक मैकेनिक ने साइड पे कर दी ना, ये नहीं बन सकती। मान लो एग्जांपल, ये चीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर उसी चीज को चुनता है, उसे मॉडिफाई करता है और लॉन्च कर देता है यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे? और खुदा ऐसा करेगा तेरे साथ अगर तूने उसके लिए भूख, वैसा लव, वैसा प्रेम। बाइबल कहती जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट में चलते जाओ। अगर तुम वैसा सिस्टम बनाकर खुदा के साथ कंटिन्यू चल रहे हो तो उसकी दया तेरे ऊपर आएगी, वो बढ़ाएगा, प्रकाशमान करेगा, चमकाएगा। आपको पता है ये जीवन खुदा ने किस लिए दिया? कि हम उसकी महिमा करें, हम उसके लिए काम करें, उसके लिए जिए, उसके भूखे हो जाएं, दीवाने हो जाएं, प्यासे हो जाएं। मैंने वो प्यास देखी बहुत तगड़े लेवल की। वो ऐसा खुदा की उपस्थिति में रोना आता ना, अरे कोई खास बंदा भी मर गया तब भी नहीं इतना रोते जितना तुम उसकी उपस्थिति में जब उसकी प्रेजेंस उतरती। कितने समझ पा रहे हो? क्यों होता है ये सब? क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम जाहिर करता है अपने लोगों के ऊपर, खुदावंद अपना लव शो करता है अपने लोगों के ऊपर। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है प्रभु पता नहीं मेरा क्या होगा, प्रभु पता नहीं मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, फ्यूचर क्या है, आने वाले साल क्या है, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। परमेश्वर कहता डोंट वरी, मैं यहां तक लेकर आया हूं ना, आगे लेकर जाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कहता यहां तक मैंने तेरी अगुवाई की ना, छोड़ा नहीं ना तुझे, त्यागा नहीं ना तुझे, हर मौसम में हर चीज में मैं तेरे साथ खड़ा रहा। कहता आगे भी ऐसे खड़ा रहूंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर पर ऐसा फेथ करो, ऐसा विश्वास दिखाओ कि खुदावंद मेरी
जीवन को बदल कर वो पढ़ाने जा रहा है। जितना बड़ा तुम खुदा के ऊपर फेथ कर सकते हो, जितनी तुम भूख खुदा को दिखा सकते हो, उतनी भूख दिखाओ। मैंने लोगों को देखा वो केवल उनके उन काम के लिए आ रहे हैं, अरे मेरा ये काम है पास्टर जी, इसके लिए प्रेयर कर दो, उसके लिए वो काम हो गया, बाद में ना तो वो चर्च में ना तो खुदा के साथ है, उठ गए। प्रभु कहाँ है, वो कहाँ है, कोई पता नहीं। पर एक बंदा वो जो आया तो अपने काम निकलवाने के लिए था, लेकिन पता चला यीशु के बिना है ही कुछ नहीं। पतरस यीशु मसीह को कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह प्रचार कर रहा है उसकी बेड़ी के ऊपर, नाव के ऊपर चढ़कर, और प्रचार करते करते जब प्रचार कर दिया तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा पतरस को, पतरस इस नाव को गहरे में ले चल, इस नाव को क्या कर, गहरे में ले चल। पतरस ने आगे से कहा, प्रभु हमने सारी रात यहां पे जाल डाले हैं, सारी रात मेहनत की और एक भी मछली नहीं पकड़ी, पर फिर भी कहता मैं तेरे कहने के कारण फिर से जाल डालता हूं। बाइबल कहती जैसे वो वहां पे गया और जाल डाला, जाल फटने लग गया, और बाइबल कहती पतरस ने वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे हो गया, इन जीसस नेम, हालेलुया। और एक टाइम क्या आता है जब सब चेले भाग रहे होते हैं और परमेश्वर पतरस को पता क्या कहता, पतरस तू भी जाना चाहता है, तू भी जाना चाहता है? उसने कहा नहीं प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, आत्मा की बातें तो तेरे पास हैं, हेवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं, तेरे बिना हम क्या कर सकते हैं। पता क्यों ये बात वो कह रहा था, क्योंकि उसने खुदा के लव को, उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में देख लिया था, हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा को देख लिया था कि परमेश्वर के बिना, उसके बिना हम चलकर कुछ नहीं कर सकते, उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, उससे दूर होकर हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं खुदा के साथ रहकर कर सकते हैं। कितने समझ पा रहे हो आप, कितनों को वचन समझा रहा है, हालेलुया। तो जितनी तेरी भूख होगी, दाऊद पतरस की भूख खुदा के लिए बढ़ चुकी थी, पतरस को अब मतलब नहीं था संसार के काम, अब ये बिजनेस, उसका बिजनेस बढ़ भी गया, सब कुछ छोड़ छोड़ के कहता है यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। ये लव, ये प्यार, ये खुदा का उसके अंदर कुछ हो गया है, बदल दिया उसने, खुदा ने उसके जीवन को। आज एक व्यक्ति पता किस चीज के पीछे पड़ा, अरे मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, फॉरन के रास्ते नहीं खुल रहे, ऐसा नहीं हो रहा, मैरिज नहीं हो रही, बेबी नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहा, बहुत सारी चीजें, ये नहीं हो रहा, उसका ध्यान सारा इन चीजों की ओर है, इसलिए वो परमेश्वर के प्रेम को देख नहीं पा रहा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, कि परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम तुझसे किया है, कितना लव किया है। बाइबल कहती उसने क्रूस पर जान दे दी, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्यों, कि हम नॉर्मल ना रहें, हम ब्लेस्ड हो जाएं। तुम विश्वास के द्वारा उस खुदा को पा सकते हो, प्यास के द्वारा, भूख के द्वारा, जितना तुम दीवाने हो। 17, 18, 19, 20 ये जो 4 साल थे ना, ये बड़े जबरदस्त साल थे जिसमें खुदा ने तैयारी कराई, रोया भी उसमें, दुखों का सामना भी किया, परिस्थितियों हालातों का भी, लेकिन खुदा के साथ लव, जितनी परिस्थितियां आती थी, जितने हालात आते थे, जितना विरोध होता था, मेरा खुदा के साथ उतना लव बढ़ जाता था, उतना खुदा का और दीवाना हो जाता। आज लोगों के ऊपर परिस्थितियां ही, ओ चर्च जाने लगे, चर्च जाने लगे, ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया, वो हो गया, पर उन्हें नहीं पता अगर तेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं ना काम कर रहा, तू चर्च में आ रहा है, प्रेयर भी कर रहा है, बाइबल भी पढ़ रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है, और खुदा तेरे जीवन में नहीं काम कर रहा, वो चुप बैठा है, समझ लेना कि वो बड़े तगड़े लेवल की प्लानिंग कर रहा है तेरे लिए यीशु के नाम में, और उस प्लानिंग को अपनी लाइफ में देखने के लिए उसके साथ फेथफुल रहना। ये मत कहना प्रभु ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने ये नहीं किया, प्रभु ने वो नहीं किया, प्रभु ने ये नहीं किया। कितने समझ पा रहे हो, वो प्लानिंग तगड़े लेवल की हो रही है पीछे, खुदावंत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, और तुम नीचे कह रहे हो प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हुआ, प्रभु ऐसा नहीं हुआ। कितने समझ पा रहे हो,
जितना तुम खुदा को आज भूख, जितना टाइम तुम खुदा के साथ स्पेंड कर रहे हो, जितनी तुम उसकी सेवा के लिए भूखे हो, प्यासे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक एक चीज का खुदावंद प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने लोगों को देखा, कहते हैं हमारे बच्चे टेढ़े हैं, नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मतलब आज्ञाकारी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तुम खुदा के साथ सीधे हो जाओ, खुदा उन्हें सीधा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। पहले तुम सीधे हो, बात तुम्हारे ऊपर आ रही, मां बाप के ऊपर आ रही। कहता तुम सीधे हो जाओ, परमेश्वर सबको सीधा कर देगा। लेकिन क्या तुम खुदा के लिए भूख दिखाने के लिए तैयार हो? खुदा के लिए प्यासे होने के लिए तैयार हो? उसके दीवाने होने के लिए तैयार हो? दाऊद कहता मेरा मन अति अभिलाषी है, अभिलाषा है मेरे अंदर खुदा के लिए। अरे कब जाऊं मैं खुदा के साथ बैठूं? कब जाऊं मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं? कब जाऊं मैं उसकी दया को अपने ऊपर लूं? कितने समझ पा रहे? भूखा है, प्यास दिखा रहा है। ऐसी भूख प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। मैं नया ना था प्रभु में, तो जब मैं बाइक पर भी जा रहा हूं, कहीं कोई इनविटेशन आ गया मान लो, और मैं जा रहा हूं, ऐसे गर्मियों के दिन है, मुंह फेस कवर किया हुआ है, तो हेडफोन लगाए हुए, मैं जा रहा हूं, सॉन्ग चल रहा है, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, ये सॉन्ग चल रहा है, और मैं आत्मा से भरकर रो, साथ में बाइक चला रहा हूं, साथ में आत्मा से भरकर रो रहा हूं। पता क्यों? क्योंकि हवा का लव अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। अरे कब जाऊंगा मैं, कब ये काम जल्दी निपटेगा? टाइम रखा हुआ था 3 बजे वापस आना है, आकर सीधा प्रेयर में। 1 बजे घर से निकले, 12 बजे, 3 घंटे ही है बस, सामने वाले को फोन कर दिया, 3 घंटे ही है बस, इतने टाइम में आएंगे, इतने टाइम पे वापस चले जाएंगे। और उस भी टाइम में खुदा के लिए प्यास रो रहा हूं, आत्मा से भरकर, प्रभु कब जाऊं मैं, कब जाऊं, कब जाऊं। खुदा ने भूख को देखा, खुदा ने प्यास को देखा और बढ़ा दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम थोड़ी चीजों में वफादार नहीं हो, याद रखना, तुम बड़ी चीजों में फेथफुल नहीं हो सकते। आज तुम थोड़े में वफादार हो, आज तुम छोटी छोटी चीज में खुदा के साथ फेथफुल हो, परमेश्वर तुझे लाख भी दे देगा ना, बिजनेस भी तगड़े लेवल के दे देगा ना, तुम तब भी वफादार रहोगे। आज तुम्हारा छोटा सा बिजनेस, छोटी सी दुकान है, ओ नहीं प्रभु मैं बिजी, प्रभु मैं बिजी, सारी उम्र उसी दुकान पे धक्के खाते खाते निकल जाएगी। ये बात मैं आपको बोलता हूं, उसी चीज में प्रभु मैं बिजी, प्रभु मैं बिजी, प्रभु कहता रह बिजी, इतने जैसा ही है। तो कितने समझ पा रहे हो? और तू क्या करता है प्रभु के लिए संडे? अरे खुदा का काम, कितना तुझे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला लाखों का, सारा तो कैंसिल करके आ रहा है, अरे संडे खुदा को देना है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, खुदा उससे टॉप का बिजनेस तुम्हें देगा यीशु मसीह के नाम में, तगड़े लेवल का बिजनेस देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने आप समझ पा रहे? मैंने एक्सपीरियंस किया ये बातों। हालेलुया। जब तुम खुदा के साथ वफादारी हर बात में दिखाते हो, वो हर बात में वफादारी दिखाता है, चाहे वो तेरी छोटी सी बात क्यों नहीं। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो आप? क्या ये वचन अंदर जा रहा है आपके? मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, जैसे मान लो जो मेरे साथ घटी वो टेस्टिमनी मैं आपको दे सकता हूं। मेरे फादर साहब जब हम प्रभु में नए नए थे, उन्होंने वही पशुओं को कभी खाना खिला दिया, कभी नहला दिया, कभी पानी पा दिया। कितने समझ पा रहे? बहुत स्ट्रगल करना। आप बताओ, घर में साइकिल भी नहीं है कि पशुओं का जो चारा है उसमें रखकर ले आए। कितने समझ पा रहे हो? लेकिन खुदा ने क्या किया? सब कुछ चेंज कब किया? जब भूख दिखाई, अड़े रहे खुदा में। लोग कहते अरे प्रभु ने दिया क्या है तुम्हें? क्या दिया प्रभु ने तुम्हें? क्या किया प्रभु ने तेरे लिए? लोगों ने विरोध करना। कितने समझ पा रहे हो? मैं आपको टेस्टिमनीज पता क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जितना तुम खुदा को लव दिखाओगे ना, वो छोटी छोटी बात में तुम्हें ऊंचा रखेगा यीशु के नाम में, छोटी छोटी चीजों में। और जब जाना, उन्होंने मान लो वो सिर के ऊपर उन्होंने मतलब रखे हुए हैं पशुओं का चारा, कोई उठा सिखाने वाला भी नहीं है। क्यों? ये प्रभु में आ गए, ये क्रिश्चियन बन गए, ऐसा हो गया, धर्म छोड़ दिया, वो कर दिया, सब विरोध कर रहे हैं।
जो हमारी खेत की वहां पे मोटर होती है ना, कितनों को पता है, हमारा कनेक्शन नहीं था, कि ट्रांसफार्म हमारा अपना नहीं था, तो लोगों ने विरोध के कारण क्या करना, पानी नहीं लगाने देना। पानी ना लगने के कारण कई बार क्या होना, वो फसल को खराब करने वाली चीजें आ जानी, फसल को डिस्ट्रॉय करने वाली। लेकिन जब प्रेयर करवानी पास्टरी से, पास्टर जी प्रेयर करो, ये बोतल में जो प्रेयर करवाई उस पानी के ऊपर, वही खाद बन गया, वही पानी बन गया, सब कुछ हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपको पता, लोग इतना विरोध करते थे, मुझे आज भी याद है कि जब हम परमेश्वर के दास से प्रेयर करवाते थे बारिश होती थी तब भी, हालेलुया, और फसल को पानी पूरा मिल जाता था। लोग फिर हैरान होते थे कि हमने सोचा ये नाश हो जाएंगे, हमने सोचा ये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन खुदा इनके लिए फिर से बारिश कर रहा है। कितने समझ पा रहे, वो चीजों से निकाला खुदा ने। परमेश्वर के साथ फैमिली वफादार रही, बातें सुनी, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जो अंदर खुदा के प्रति आग लग चुकी थी ना, वो ठंडी नहीं कोई कर सकता था। हालेलुया, जो खुदा के प्रति जो लव हो गया था ना, अब वो लव कहीं जा नहीं सकता था। कितने समझ पा रहे। और क्या हुआ, मान लो वो जा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, कभी नहीं कहा अरे जी हमने पशुओं को चारा डाल। आपको पता है पशु संभालना सबसे मुश्किल है, उसके साथ वैसा ही होना पड़ेगा जैसे वो हैं। कितने समझ पा रहे, 3 टाइम उन्हें पानी पिलाना, चारा देना, कितने समझ पा रहे सब चीजें। और क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, ये नहीं कहा संडे हम चर्च नहीं आ सकते, एवरी डे मीटिंग्स होती थी, एवरी डे, हर रोज रात को 2-2 बजे घर आ रहे हैं, 3-3 बजे घर आ रहे हैं, सुबह का टाइम हो गया घर आ रहे हैं, पूरी रात मीटिंग्स में निकल गई, लोगों के घरों में निकल गई, और लोगों ने कहना अरे तुम ढोलकी उठाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, हालेलुया। और परमेश्वर ने पता क्या किया, आज मेरे डैडी को खुदा ने बेस्ट काम दिया यीशु के नाम में, हालेलुया। खुदा ने वो काम ही छीन लिया, पशुओं पशुओं वाला। कितने समझ पा रहे, तुम जिस काम में अपने आप को बिजी कह रहे हो ना, इतना सा भी वो काम है तेरा, इतना सा, सारी उम्र उसमें ही निकल गई है, और बाकी भी उसमें निकालना चाहता है। क्या मैं बिजी हूं, संडे में आ नहीं सकता, मेरा घर जा रहा है, मेरी वाइफ जा रही, मेरे बच्चे, ओ खुद जा रहे हैं, वो अपना प्रतिफल पाएंगे, तो अपना पाएगा, ये बात याद रखना। और तुम उस थोड़े में वफादार नहीं हो तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि खुदा तुझे दुगना बिजनेस देगा, नेवर, कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, क्योंकि थोड़े में वफादार नहीं। बाइबल कहती जो थोड़े में कहता है प्रभु नहीं है, नहीं, प्रभु कहता है इससे छीन लिया जाए, जिसके पास है उसे दे दिया जाए, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। कितने समझ पा रहे। और जब लोग खुदा के लिए ऐसे एक्सक्यूजेस रखते हैं, बहाने रखते हैं, खुदा नहीं काम कर पाता, चाहकर भी नहीं काम करता, जितना मर्जी वो तरले मार लें। कितने समझ पा रहे, क्योंकि खुदावंद अपने वचन का पक्का है, वो वचन का पक्का खुदा है, जो बाइबल में बात तय हो चुकी है उसे कोई कट नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता, अपने शब्दों से तुम विंगा टेढ़ा करके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ प्रभु तू जानता ही, प्रभु बिजनेस ही इतना है, अभी इतना सा है, प्रभु ये बड़ा है, प्रभु कहता ठीक है पुत्र, पता चल गया मेरा तू कैसा है। कितने समझ पा रहे अब। और खुदा उस काम को नहीं कर पाता उस बंदे की लाइफ में जो परमेश्वर करना चाहता था। हालेलुया। आज हो सकता है लोग तुम्हें, तुम्हारा विरोध करते होंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें करते होंगे, तुम्हें कहते होंगे, खुदा को पूरी वफादारी दिखाकर देख, वो तेरे लिए स्वर्ग के डैम खोल देगा तेरी आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम है। खिड़कियां नहीं, वो डैम खोलने वाला यीशु मसीह के नाम है। आमीन। छोटा है तेरा चर्च, हालेलुया, वो डैम खोल देगा, पर कब, जब तुम सच में उसके साथ फेथफुल। हालेलुया। खुदा अभी तुम्हें रियलाइज कराएगा, अपनी आंखों को बंद करो 2 मिनट के लिए, खुदा तुम्हें अभी मनन करवाएगा कि तुम खुदा के साथ कितने फेथफुल हो, कितने वफादार हो, और कहां नहीं हो, वो तुम्हें रियलाइज करवाएगा। मनन करना इस बात को, क्या मैं खुदा के साथ टोटली चल रहा हूं, क्या मैं हर संडे उसके साथ वफादार हूं,
क्या मैं हर रोज प्रेयर कर रहा हूं? क्या मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं? क्या मैं उसकी बातों को, आज्ञाओं को मान रहा हूं? बाहर से तो कहेंगे हम ये करते हैं वो करते हैं, जब तुम अपने स्पिरिट में देखोगे तो रियलाइज होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन। कितनों को फील हुआ सच बताना? हाँ, किसी को नहीं? इतने धर्मी, हालेलुया। तो आपको फील हुआ होगा कि हाँ मैं यहां फेथफुल नहीं हूं, बाहर से चाहे मैं कुछ भी दिखा रहा हूं। कितने समझ पा रहे हो? याद रखना, खुदा के साथ हर बात में वफादार रहना, भूख दिखाना दाऊद की तरह, प्यासे रहना दाऊद की तरह, वो जीवन सेम नहीं रहने देगा। आज तुम खुदा के साथ वफादार हो, तेरी पीढ़ियां ऑटोमेटिकली खुदा में ब्लेस्ड होंगी, तेरी वंशें खुदा में ब्लेस्ड होंगी। तुझे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये सही नहीं है, ये टेढ़े हैं, ये विंगे हैं। खुदा के साथ सीधा हो जा, वो ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे यीशु के नाम में। ये मैंने एक्सपीरियंस किया इस बात का, हालेलुया। जब तुम खुदा के साथ टेढ़े होते हो, तेरी फैमिली खुदा के साथ वफादार है, खुदा ऐसे कान से पकड़ता है तुम्हें, अरे मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, तू कहां जा रहा है? कितने समझ पा रहे? चल इधर प्रार्थना कर। कितने समझ पा रहे? खुदा ऐसा करता है, उसने किया मेरे साथ। कभी मैं डॉक्टर बन रहा हूं, कभी मैं फोटोग्राफर बन रहा हूं, बस अरे प्रभु कहता चल इधर, ये क्या काम कर रहा है? हालेलुया, जो मेहनत की है तेरी फैमिली में उसका रिजल्ट देने का टाइम आ गया है। चल मेरे कामों को करे यीशु मसीह के नाम में। खुदा तुम्हें ऐसा बोलेगा यीशु मसीह के नाम में, खुदा तेरे बच्चों के लिए ऐसा बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम बड़ी बेदारी को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने घराने में देखोगे अगर आमीन ऊंचा तो बरकत आपके यीशु के नाम में। हालेलुया, कितने आप समझ पा रहे हो? कितने ब्लेस्ड हो आज? दाऊद की तरह भूख प्यास दिखाना, हर रोज खुदा के साथ फेथफुल रहना, एवरी डे। ये नहीं संडे मेरा टाइम नहीं लगा जी, काम भी बड़ा सीगा। वो काम कुछ भी नहीं, तुहानू नहीं पता, तू संडे काम करके सारी हफ्ते की मेहनत नू खूब सेट देता है, और तेनों बाद पता लगेगा जो पूरा हफ्ता निकलेगा। किन्ने समझ पा रहे हैं तुसी? हालेलुया, बाइबल च लिखा जो ओहदे नाल वफादार नहीं है वह किसी चीज़ नाल वफादार नहीं। जेड़ा कहता मैं परमेश्वर नू बड़ा प्यार करदा है पर बाइबल च लिखा उहदे हुक्मां नू नहीं मनदा, बाइबल कहती है झूठ बोलता है। किन्ने समझ पा रहे हैं तुसी? हालेलुया, अगर तुम उसके हुक्मों को मान रहे हो, उसके नियमों को मान रहे हो, यहां परमेश्वर मैं तेरे साथ फेथफुल हूं, मैं चर्च आ रहा हूं, बोने में वफादार हूं, प्रेयर में वफादार हूं, फास्टिंग में, तेरे अंदर एक सुकून होगा, खुदा तुम्हें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाता जाएगा। तुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से, वो जोर लगाएगा तुम नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, तेरी लाइफ में खुदा ग्रोथ देता जाएगा और तुम टॉप पर चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आज आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो यहोवा भला है, उसकी करुणा उसकी दया सदा की है, यहोवा अति महिमा के योग्य है। बोलो खुदावन जितना वचन आज मैंने सुना ये मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तारीफ करो जोर से खुदा की। कितने आज आप ब्लेस्ड हूं,